थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल वर्ड्स है, कितना वजन है इन वर्ड्स में। सुनने को भी अच्छा लगता है, बोलने को भी अच्छा लगता है। दिल से बोली हुई हर थैंक यू काम कर जाता है। जब हम किसी को थैंक यू दिल से बोलते हैं, अंदर से खुद भी कितना खुश होते हैं, एक फीलिंग क्रिएट करता है, अच्छी वाली फीलिंग। जब अंदर से कोई अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट होती है तो एक पॉजिटिव ऑरमा क्रिएट हो जाता है आसपास, एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। फ्रेंड्स, आज सबको थैंक यू बोल दीजिए, जो आपको निराश भी किया हो ब्लेस देम, और जो आपके साथ हो उनको भी दिल से सबको थैंक यू बोल दीजिए। फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रकृति महाती, वेलकम टू माय चैनल पीएम आर्ट एचआरटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लाइफ में? ग्रेटिट्यूड अगर आप देखेंगे, लॉ ऑफ एटीट्यूड में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इट प्लेज ए वेरी मेजर रोल और बिग रोल इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलती है? पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बिलीव्स ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स। थॉट्स बिलीव्स कैसे क्रिएट होता है? जब हम पॉजिटिव रहते हैं, व्हेन यू आर ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी थिंग इन आवर लाइफ, बीइंग ग्रेटफुल, बीइंग थैंकफुल टू एवरी बॉडी इन आवर लाइफ। ग्रेटिट्यूड कोई ऐसा नहीं है कि आज हमने थैंक यू बोल दी और ग्रेटिट्यूड हो गया। ग्रेटिट्यूड एक स्किल है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको हर चीज में थैंक यू दिल से होना चाहिए। दिल से आप थैंक यू बोल सको। आप खुद सोचो, आप सुबह उठे, यू शुड बी थैंकफुल टू द गॉड रीजन वी आर अलाइव। हम जिंदा है, सांस ले पा रहे। आप सोचो कितने जिंदगी, लोगों की जिंदगी इस दौरान चली गई, कितने घर सुना हो गया है। उनको पूछिए जिंदगी का मूल्य क्या है। आज हम जिंदा है तो वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड। सुबह उठ के हम थैंक यू बोल सकते हैं गॉड को। आज हम खाना मिल रहा है, हम लोग को टेबल के ऊपर खाना रेडी है, वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड कि वी गेट द फूड इन टाइम। कैसा बना है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि खाना आपको मिला और वो टाइम पे मिली। आप थोड़ा आसपास जाइए, घर के आसपास आप देखोगे कितने लोग भूखे हैं, कितने बच्चे भूखे हैं। खाने का मूल्य उनसे पूछिए, वो बताएंगे। आज आप बाहर जा रहे हो, आपको फ्रेश एयर मिल रहा है, खुली हवा में आप सांस ले रहे हो, बींग थैंकफुल टू दैट। दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू आर गेटिंग। आप सोचिए, काफी साल पहले भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था, लोग मरे थे वही पॉल्यूटेड एयर की वजह से, पॉइजन एयर की वजह से। अभी भी देखिए, टीवी में आता है, न्यूज में आता है, दिल्ली में पॉल्यूशन कितना हाई है, लोग सफर कर रहे हैं, बाहर निकलने को डरते हैं क्योंकि हवा गंदी है। अगर हमको अच्छा हवा मिल रहा है, वी शुड बी थैंकफुल टू दोस। पानी अच्छा मिल रहा है, वी शुड बी थैंकफुल टू दोस। भगवान ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया, हम सब देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स। We should thankful to the eyes, to help us to see beautiful things. We are thankful to the nose, that help us to breathe. We are thankful to the mouth, that help us to chant the God's name, that help us to eat foods, that help us to speak. Thankful to the ear, that help us to hear beautiful things. Thankful to your legs that help you to walk. Thankful होने के लिए जिंदगी में बहुत सारा चीज है। अगर आप एक नोटबुक लेके बैठोगे और आप ऐसे दो साइड करके लिखोगे कि मेरे लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, मेरे लाइफ में थैंकफुल होने के लिए कितना चीज है, आप देखना पेज भर जाएगा थैंकफुल में। प्रॉब्लम्स गिने चुने दो तीन ही आएंगे या चार पांच आएंगे।
जो कि मायने नहीं रखता है समय का अनुसार, लेकिन थैंकफुल होने के लिए बहुत सारा चीज है। आप सोचिए, आप कहीं पर नौकरी करते हो, वो जगह से आपके परिवार को भरण पोषण होता है, तनख्वाह के रूप में या सैलरी के रूप में, आप जैसे बोलो, तो वो जगह के लिए आपको कितना थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन आप नाराज रहते हो, नौकरी छोटी है, लोग अच्छे नहीं है, वहां पे ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। आप उस लड़के से पूछो या बंदे से पूछो जो नौकरी के लिए दर दर ढूंढ घूम रहा है, ओवर क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है उसके पास, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी छोटी है तो क्या हो गया, सैलरी थोड़ा कम है तो क्या हो गया, नौकरी तो है, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, सैलरी तो है, छोटी है तो है, उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिए। अगर आप छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल रहोगे तो बड़ी चीज आएगी। एक कहावत है, जैसे आती है वैसे जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो चीज आ रही है अगर आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे तो चीज चली जाती है। आज आपका सैलरी 10,000 है, आपको एक ड्रीम है, एक एक चाहत है मन में कि मेरा सैलरी 1 लाख रुपया हो जाए। लेकिन जब 1 लाख रुपया हो जाता है आप खुश नहीं होते, आपका फिर मन दूसरे जगह पे चला जाता है। 2 लाख होगा तो शायद कुछ हो जाए। इसमें क्या होता है, आपका खुशी एक्सटेंड होते जाता है, आप अपनी खुशी को एक्सटेंड करते जाते हो और खुश हो ही नहीं पाते हो, तो फिर जो आता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि आप कभी ग्रेटफुल नहीं रहे उसके लिए, आपका ग्रेटिट्यूड ही नहीं रहा। आपको एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अच्छे चीज से ज्यादा नेगेटिव चीज में ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको आपके पड़ोसी अच्छे ना लगे, आपके फ्रेंड्स अच्छे ना लगे, आपके माँ बाप अच्छे ना लगे, लेकिन सारा चीज तो बुरा नहीं हो सकता ना, कोई ना कोई चीज तो अच्छी होगी। जो चीज अच्छी होगी उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, उसी को ऑप्टिमाइज कीजिए, तो क्या होगा, आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आपके मन में कोई नेगेटिव चीज रहेगी नहीं। जब मन में नेगेटिव चीज नहीं रहेगी, आपके अंदर से पॉजिटिव चीज डेवलप होगा, तो आप एक पॉजिटिव आर्मा डेवलप करते जाते हो। तो पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो लेकिन आपको देखेगा, आपको सुनेगा, तो उसके मन भी धीरे धीरे चेंज होगा। नेगेटिव चीज सोचोगे तो नेगेटिव आर्मा क्रिएट होगी। आप सोचिए, कितने सारे लोग हैं जिंदगी में आते हैं, जिंदगी में जाते हैं, कुछ ही लोग हैं जो आपको याद रखते हैं, कुछ लोगों के साथ आपको बनती नहीं है, लेकिन आप तो सेम हो। मेरा कहने का क्या मतलब है, आपको कोई प्यार करता है, आपको कोई प्यार नहीं करता है, आपको कोई बहुत अच्छा आपके बारे में बोलता है, आपके बारे में कोई बहुत बुरा बोलता है, उसे आपको क्या फर्क पड़ता है। आप तो वही इंसान हो जिसके बारे में कोई अच्छा बोलता है, जिसके बारे में कोई बुरा बोलता है। ये उनकी संस्कार है, उनकी समझ है जो ऐसा बोल रहे हैं। फील द ग्रैटिट्यूड कि भाई मेरे बारे में ये तो अच्छा बोला जाता है, ठीक है, अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीबॉडी, मुझे इसने कुछ सिखाया जिंदगी में, इसके वजह से मैंने कुछ सीखा। मैं आपके मेरा एग्जाम्पल बता दूं, एक दिन बारिश हो रहा था, हम लोग ऑटो के लिए खड़े थे और मैं छाता लेना ही भूल गया था, लेकिन मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, उसके पास छाता था, उसने सामने से आके मेरे को छाता शेयर किया, खुद भी भीग रही थी आधा, लेकिन उसने छाता शेयर किया मेरे साथ। आई एम सीरियसली ग्रेटफुल टू हर। आज भी मुझे वो लड़की याद है, उसने बहुत पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया मेरे लिए, हेल्प किया उसने मुझे, मैं ये नहीं भूल सकता। छोटी छोटी चीज जिंदगी में बहुत मायने रखती है। आप हर चीज में अगर देखोगे तो हर चीज में आपको थैंक यू बोलने के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन अगर वो चीज को नजरअंदाज करके उसके नेगेटिव चीज के ऊपर आप ध्यान दोगे तो फायदा आपको ही नहीं मिलेगा।
अगर आपको कोई बोलता है कि तुम एक बहुत सुंदर चीज के बारे में सोचो, जैसे बहुत अच्छा गार्डन है, उसमें फ्लावर है, लेकिन ये घर के पीछे एक गधा खड़ा है, उसके बारे में सोचो मत, आई मीन डंकी, उसके बारे में मत सोचना, आप ये गार्डन के बारे में सोचना। लेकिन आप क्या करोगे, वो गधे के बारे में सोचोगे, कहाँ खड़ा है, किसके घर के पीछे खड़ा है। हमारे जिंदगी में यही प्रॉब्लम, हम नेगेटिव चीज में ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जिसके वजह से नेगेटिव चीज ही आती है, पॉजिटिव चीज में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। सपोज आज आपको सुबह ब्रेड ऑमलेट खाने को मन हुआ, आप गए सामने ग्रोसरी के दुकान से ब्रेड और ऑमलेट सॉरी अंडे लाने के लिए, आपको ब्रेड मिला लेकिन अंडे नहीं मिला। ब्रेड लेके आए, थोड़ा सा अपना निराश हुए कि आज भाई मन था मुझे ब्रेड ऑमलेट खाने को, नहीं मिला मुझे। लेकिन आप घर पे आए, फ्रिज खोला तो देखा आपका बटर है, जाम है, तो ब्रेड पे बटर जाम लगा के आप आराम से खाए। बी ग्रेटफुल टू दैट कि देयर इज समथिंग इन योर होम अवेलेबल टू ईट, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रेटिट्यूड एक हैबिट है और ये हैबिट आपको डेवलप करना, हर चीज में, हर रिलेशनशिप में। जिंदगी में यार क्या चाहिए, पैसा, शौहरत, हेल्थ, अच्छी घर, अच्छी गाड़ी, ये सब चाहिए। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है ये सब चीज में, हेल्थ। हम उसको ही इग्नोर कर लेते हैं, वी नेवर ग्रेटफुल टू आवर बॉडी। अगर आज आपको कोई बोलेगा भाई मैं तुझे 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, तेरा एक आँख मुझे दे दे, आप दे दोगे? आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है एक आँख का वैल्यू क्या होता है, बट आप खाली रियलाइज नहीं कर पा रहे। थैंक यू बोलना उसको आप भूल जाते हो। आज आपकी कंपनी में इंसेंटिव मिला आपको, लेकिन आप थैंक यू करना भूल गए। ऐसे ही हर महीने आपको सैलरी मिलता है, लेकिन आप थैंक यू करना भूल जाते हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप जितना खुशी से थैंक यू बोलेंगे उतना वो चीज बढ़ता है। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी अजनबी आपको थैंक यू बोलता है दिल से, आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे हेल्प किया, थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत हेल्प मिला, तो आप क्या सोचोगे? दोबारा जब देखोगे मन में करेगा नहीं बंदे बंदा सही बंदा है, उसको हेल्प करते हैं। वैसे ही यूनिवर्स, यूनिवर्स कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं होता, वो वर्ड पकड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप बोलते हो मैं अच्छा हूँ, मैं एकदम अच्छा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो आप अच्छे ही रहोगे। अगर आप सोचोगे भाई ये कर रहा है तो मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को ये प्रॉब्लम, तो हो ही जाएगा एक दिन। इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड के पर बहुत इंपोर्टेंस दिया गया है। रुंडा वाइन का मैजिक अगर पढ़ोगे, सॉरी सीक्रेट भी पढ़ोगे, दोनों है उनके, तो आप समझ पाओगे कैसा है। द सीक्रेट करके बुक है जो कि रुंडा वाइन द्वारा लिखी गई है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। अगर आप पढ़ोगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारा चीज पता चल जाएगा। ग्रैटिट्यूड आप एक काम भी कर सकते हो, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी मेंटेन कर सकते हो। एक प्रैक्टिस करो 28 डेज का ग्रैटिट्यूड जर्नल, जो आपको चाहिए इन एंटीसिपेशन और उसके बाद होने के बाद, दोनों थैंक यू करके लिखना। सपोज आज आपको किधर जाना है, किसी ने इनवाइट किया, आप गए उधर और उधर जाके आपका काम भी अच्छा हो गया, तो जाने से पहले आपने लिखा है सुबह उठ के, थैंक यू गॉड, थैंक्स फॉर इनविटेशन, थैंक्स फॉर गेटिंग द कैब ऑन टाइम। फिर जाने के बाद देखा आपका सब कुछ हुआ है प्रॉपर, फिर आने के बाद भी लिखिए सोने के टाइम पहले, थैंक यू फॉर इन्विटेशन, इट वॉज ए ग्रेट डे, आई हैव एंजॉयड माई लाइफ, आई गॉट द कैब ऑन टाइम। तो एक थैंक यू जर्नल आप मेंटेन कीजिए लाइफ में।
हर दिन कुछ ना कुछ रहता है आपको थैंक यू बोलने के लिए। आज आपका घर पे जो काम करती है वो टाइम पे आई, थैंक्स टू हर। वो टाइम पे आया इसलिए आपका टाइम पर काम, टाइम पे आपका दूसरा काम हो गया, तो थैंक्स फॉर हर ऑल्सो। हर छोटी चीज, हर अगर आप नजर डालोगे तो थैंक यू करने के लिए बहुत सारा चीज है, उसमें कंसंट्रेट कीजिए, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप डेवलप होते जाती है। जब पॉजिटिव वाइब्रेशन डेवलप होती है तो आपके माइंड बॉडी कुछ नेगेटिव के तरफ जाता ही नहीं, तो आपका हर चीज में ग्रेटिट्यूड आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, अब जब आपका माइंड बॉडी डेवलप होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव अरमा साइड में डेवलप हो जाता है, तो उसका फीलिंग जो होता है बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग होता है, आप अंदर से बहुत खुश रहते हो। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑल्सो। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे अगर नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, होगा, लेकिन जैसा आप चाहते हो ऐसे नहीं होगा। फिर आप वही लाइन पे जाओगे, नहीं होता है, नहीं होता है मेरे लाइफ में कुछ। आपको ग्रेटिट्यूड बुक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बी थैंकफुल टू एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड एवरीबॉडी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टुडे दिस मच। We'll back with more topics on human resource. Thank you so much.